हाय फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के साथ आज थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में बात करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के मन में जब वो मुझसे थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में बात करते हैं। अब अगर थेरेप्यूटिक लिसनिंग क्या होता है, वो एक तरीके का ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल है। ऑडिटरी यानी कि हम कान पर हेडफोन जैसा कुछ लगाते हैं और एक प्रकार का म्यूजिक सुनाते हैं बच्चे को, ठीक है। अब उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं और वो थेरेप्यूटिक होता है, यानी कि वो ऐसे ही सिर्फ गाना सुन रहे हैं ऐसा नहीं है। वो म्यूजिक से बच्चे के थेरेपी में, यानी कि उसके जो, अगर हम पकड़ लो, रिदम में मुश्किल है। रिदम का मतलब होता है स्लीप वेक साइकिल, कि भाई सो नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, ज़्यादा सो रहा है, कम सो रहा है, इन चीज़ों में हम फर्क ला सकते हैं। हंगर थर्स्ट साइकिल, कि भाई ज़्यादा खा रहा है या समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना खाना है, या पानी ही नहीं पीता है, यानी कि ये जो चीज़ें होती है, या बबल ब्लैडर साइकिल, यानी कि टॉयलेट जाना है, पॉटी जाना है, ये जो चीज़ें होती हैं, जो रिदम होता है, ये चीज़ों को हम सेट कर पाते हैं या हेल्प कर पाते हैं जब हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग बच्चे को कराते हैं। कई सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म का डायग्नोसिस हो या ADHD का डायग्नोसिस हो, जैसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि जिस भी बच्चे में, अगर हम, जैसे हमने कहा, रिदम में गड़बड़ है या सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं, तो रेगुलेशन वाले इश्यूज हैं, सेल्फ रेगुलेशन के इश्यूज हैं, तो इन बच्चों में हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग इस्तेमाल करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम लोग थेरेप्यूटिक लिसनिंग उन बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जिनको मोटर प्लानिंग में डिफ़िकल्टी होती है। मोटर प्लानिंग का मतलब होता है, अगर मैं ताली बजाऊं तो बच्चा ताली बजा ले, अगर मैं हाथ ऊपर करूं तो हाथ ऊपर कर ले। बच्चे वो चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ उतना ही सीखते हैं जितना हमने सिखाया होता है, बट बाकी अगर आप जनरली बच्चों को देखो तो वो अपने आप से दूसरे बच्चे को देख के नकल कर लेते हैं। तो जब इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है तो हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं और उससे फ़ायदा होता है। काफ़ी सारी बार मैंने बच्चे जिनको ऑडिटरी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि जो कुछ पर्टिकुलर साउंड से परेशान होते हैं, जैसे कुकर का सीटी हो गया या मिक्सर का जो आवाज़ हो गया, तो जब उन चीज़ों से बच्चों को परेशानी होती है तब भी हमने ऑडिटरी इंटरवेंशन यूज़ करके, यानी कि थेरेप्यूटिक लिसनिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनका स्पीच के आर्टिकुलेशन में, क्लैरिटी में या डीले है, स्पीच सुनने में या समझने में डिफ़िकल्टी है, उनमें भी हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, बट बहुत सारे ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये सर्विस मैं अपने उस चीज़ में मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं वो हेल्प कर सकती हूँ लोगों को। जो बहुत सारे और भी ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स है, जिसको समोनास कहते हैं, ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स हैं, इंटीग्रेटेड लिसनिंग सिस्टम्स करके भी है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट मैं आज इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स मुझसे इनके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सब देख पाओ और आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। दूसरी बात है, हम जब थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं तो बच्चा अगर 2 साल से छोटा है तो हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग नहीं करवाते हैं, हेडफोन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑडिटरी सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से माइलिनेट नहीं हुआ होता है, वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो 2 साल से नीचे हम ऑडिटरी इंटरवेंशन थेरेप्यूटिक लिसनिंग हेडफोन लगाकर नहीं करते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कहते हैं अपने इसमें, जैसे एक छोटा सा, अगर मैं रूम ले लूँ, बाथरूम के साइज़ का जैसे रूम ले लूँ, वहाँ पर एक कोने में, जैसे ट्रायंगल जैसा अगर मैं सिस्टम बनाऊँ, तो एक कोने में मैं स्पीकर रख सकती हूँ, एक कोने में बच्चा होगा, जैसे एक, तो उस तरीके से मैं स्पीकर पर म्यूज़िक जो होता है थेरेप्यूटिक म्यूज़िक, वो सुना सकती हूँ। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे को हेडफोन्स हम नहीं देते हैं। अब थेरेप्यूटिक लिसनिंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे नीचे जो आता है, जैसे जो ज़्यादातर पेरेंट को मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे हम क्विक शिफ्ट म्यूज़िक कहते हैं, क्विक शिफ्ट जो म्यूज़िक होता है वो हम किसी भी हेडफोन पर सुन सकते हैं। अब ध्यान रखिए, मैं अंदर जो हम कान के डालते हैं उसे ईयरफोन कहते हैं, और जो हम ऐसे ऊपर लगाते हैं उसे हम हेडफोन कहते हैं। तो हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग का म्यूज़िक
हेडफोन पर सुनाते हैं, ईयरफोन पर नहीं सुनाते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जब हम क्विक शिफ्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो क्विक शिफ्ट म्यूज़िक शुरू से लेके एंड तक कराया जाता है। ओके, तो ये पहला लेवल हो गया। थेरेप्यूटिक लिसनिंग यूजुअली 15 दिन कराया जाता है, दिन में 2 बार किया जाता है, और दिन में 2 बार में कम से कम 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। सो मिनिमम 3 घंटे का गैप इम्पॉर्टेंट है। किसी वजह से अगर आप 3 घंटे का गैप नहीं दे पाए तो एक ही बार करिएगा, लेकिन कम गैप रख कर करना फ़ायदा नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग 15 दिन करा दिया, कई सारी बार पेरेंट्स हैं कि जो 15 से ज़्यादा दिन करा देते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। अगर बच्चा आपसे बार बार मांगे भी तो भी हम वो म्यूज़िक को बार बार दोहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट या 16 मिनट जितना भी टाइम का म्यूज़िक है वो क्विक शिफ्ट शुरू से एंड तक हम बच्चे को सुनाते हैं। कौन सा म्यूज़िक सुनाना है ये आपको आपके जो थेरेपिस्ट हैं, जिसके पास से भी आप थेरेपी ले रहे हैं, जो इसमें सर्टिफाइड है, वो आपको गाइड कर पाएंगे। तो अपनी मर्जी से नहीं करिएगा, क्योंकि अगर कुछ डिफ़िकल्टी आई तो आपको थेरेपिस्ट समझा पाएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक लेवल का म्यूज़िक, जिसे हम क्विक शिफ्ट कहते हैं। उसके बाद एक म्यूज़िक होता है जिसे हम मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक कहते हैं। अब जो मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक होता है वो हम स्पेशल हेडफोन्स होते हैं जो थेरेप्यूटिक लिसनिंग के लिए बनाए जाते हैं। हम सिर्फ उन हेडफोन्स से ये जो म्यूज़िक है, जो मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक है, वो सुना सकते हैं। मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक हम दिन में आधा घंटा सुनाते हैं, दिन में 2 बार सुनाते हैं। सो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर या शाम, जैसे भी। इन दोनों के बीच में भी कम से कम 3 घंटे का गैप हम रखते हैं, मिनिमम 3 आवर्स। ज़्यादा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 घंटे का हमको गैप रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक भी हम सिर्फ 15 दिन सुनाते हैं, उसके बाद उस म्यूज़िक को हम वापस कंटिन्यू नहीं करना है, हमको उसे ब्रेक देना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि जब म्यूज़िक सुना कर, जैसे अब मैं बैठ कर आपसे बात कर रही हूँ, तो बैठ कर म्यूज़िक नहीं सुनना है, सिर्फ म्यूज़िक सुनते वक्त बच्चे ने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो आपकी थेरेपिस्ट आपको समझाएंगे कि क्या करना है बच्चे के हिसाब से, बट ज़्यादातर प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विंगिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग के दौरान कर सकते हैं। तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को हर बार एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो जब बच्चा खाना खा रहा है, चबा रहा है, क्योंकि जब ये जॉइंट यूज़ हो रहा है, जो ये TM जॉइंट है ये वाला, तो ये हम चबाते हैं तो ये इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी उस वक्त भी हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग सुना सकते हैं। तो ज़्यादातर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मैं उन सबको सिर्फ म्यूज़िक का नाम कहती हूँ, एक्सरसाइजेस बताती हूँ, और पेरेंट्स घर पर प्रोग्राम फॉलो करते हैं, क्योंकि हर दिन थेरेपी सेंटर में दिन में 2 बार जाना और म्यूज़िक करवाना कुछ मुश्किल है, इट्स नॉट, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स घर पर फॉलो करते हैं। अब जब मुझे क्विक शिफ्ट म्यूज़िक से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिल रहा होता है तो मैं क्विक शिफ्ट पे रहती हूँ। जब मुझे लगे कि अब ना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो मैं मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक पर चली जाती हूँ। मॉड्यूलेटेड म्यूज़िक से भी जब बच्चा का इम्प्रूवमेंट जो आ रहा है, वो जैसे एक प्लेटो आ गया कि भाई अब इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो हम फाइन ट्यूनिंग म्यूज़िक पर चले जाते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग म्यूज़िक जो होता है वो उसके ऊपर का म्यूज़िक होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जो आपको थेरेपिस्ट आपके गाइड करेंगे कि किस तरीके से करना है। तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हुए। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बहुत सारी बार जब हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग करेंगे तो हमें ये पता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन आता है रीऑर्गेनाइजेशन के पहले। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में डिसऑर्गेनाइजेशन आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर मुझे बच्चे की ऑडिटरी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, कई पेरेंट्स कहते हैं कि बढ़ गई है सेंसिटिविटी, पहले बच्चा कान बंद करता था या ऐसे लाइक इस तरीके से कान बंद कर लेता था, तो अगर ये हो रहा था पहले, लेकिन अब वो बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वो साउंड्स को ज़्यादा समझ पा रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है।
बट सो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रहे हैं और ये फायदा है, और ये थोड़ा बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर फायदा हो रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन है लेकिन फायदा ज्यादा है, तो हमें थेरेप्यूटिक लिसनिंग के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमें लगे नुकसान या डिसऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, वुडंट इवन से नुकसान नहीं कहेंगे, बॉडी में ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन फायदा इतना नहीं हो रहा है, तो हम फिर स्लो डाउन करते हैं। तो ये जो डिसीशन होता है ये आपके थेरेपिस्ट लेंगे और वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे कि क्या म्यूजिक पहले करना है, क्या म्यूजिक बाद में करना है, क्विक शिफ्ट से मॉड्यूलेटेड म्यूजिक पर कब मूव करना है, मॉड्यूलेटेड से फाइन ट्यूनिंग म्यूजिक पर कब मूव करना है। तो ये चीज़ें आपको आपके थेरेपिस्ट एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं कि जब भी हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं बच्चों की समझ में फ़र्क आता है। कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है जिनका टॉयलेट पॉटी का सेंस डेवलप हो जाता है, शब्द आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। कई सारे बच्चे हैं जो ना अगर बोल रहे थे तो सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। कई सारों की सेंसिटिविटीज़ यानी कि जो प्लानिंग बेटर हो जाती है, सेंसिटिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है। तो हर बच्चा बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए कि आपको पता हो जब अगर आप थेरेप्यूटिक लिसनिंग स्टार्ट कर रहे हो। एक और चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं बताना भूल गई, वो ये है कि जब हम हेडफोन लगाते हैं बच्चे के लिए, तो हमेशा पहले अपने कान पर लगा कर देखिए, हमेशा चेक करिए कि दोनों बाजू आवाज़ आ रही है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने थेरेप्यूटिक लिसनिंग करवाया लेकिन पता है एक ही बाजू में आवाज़ आ रही थी और उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कान पर लगा कर देखिए कि म्यूज़िक दोनों कान में बराबर से बज रहा है कि नहीं, और फिर ही बच्चे के कान पर लगाइए। दूसरी चीज़, कितना वॉल्यूम रखना है, कैसे समझेगा? तो हम क्या करते हैं, अपने कान पर लगाएंगे और फिर अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ तो वो बंदे के साथ बात करते हुए क्या मुझे ज़ोर से बात करनी पड़ रही है, चिल्लाना पड़ रहा है? और अगर मुझे नहीं चिल्लाना पड़ रहा है और कंफर्टेबली मैं बात कर पा रही हूँ तो वो राइट वॉल्यूम है। अगर हम डेसिबल्स में देखें तो 40 to 55 डेसिबल्स का वॉल्यूम होना चाहिए। जब अगर हम मॉड्यूलेटेड म्यूजिक कर रहे हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो म्यूजिक जो हेडफोन्स हैं वो हम पता है उस पर भी राइट और लेफ्ट लिखा होता है, तो राइट वाला राइट कान पे जा रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट कान पर जा रहा है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। वायरलेस हेडफोन हेल्प नहीं करता है, वायर्ड हेडफोन मदद करेगा। अगर हम क्विक शिफ्ट भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स इसको अगर फ़ोन पे लगा रहे हैं तो फ़ोन में प्लग करके पीछे बैग एक दे देते हैं बच्चे को और बैग में डाल देते हैं, और उस तरीके से बच्चा हेडफोन पे म्यूज़िक सुनता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि आपको एक आइडिया आए कि थेरेप्यूटिक लिसनिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर और भी कुछ क्वेरीज हों इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं और एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एक और बात मुझे कहनी थी, मेरी किताब लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स बिकमिंग अ माइंडफुल पेरेंट ज़रूर रीड करिए, एंड ये अमेजोन पे अवेलेबल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम बच्चे के साथ थेरेप्यूटिक लिसनिंग या प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन या थेरेपी सिर्फ करेंगे उतना ही अकेला काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ हम किस स्टेट में हैं, हम किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो वो सब चीज़ें मैंने इस किताब में शेयर की हैं। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कमेंट्स में डालिए कि कुछ और अगर थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में कुछ क्वेरी है क्या, तो मैं फिर उस पर एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू जी, बाय बाय।